आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सूर्य का ताप किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, हमसे पूछा गया है। और विकल्प आपके पास में ये दिए गए हैं बेटा, अ, ब, स, और ये दिया गया है द। तो ये तो है द्विधात्विक पत्ती तापमापी। बेटा ये वाला तो जो है हम लोगों के काम में नहीं आता है। द्विधात्विक में तो है ना कम तापमान मापा जाता है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर सूर्य के ताप की बात कर रहे हैं तो जो सूर्य का ताप होता है बेटा वो बहुत ज्यादा होता है ना, अत्यधिक ताप यानी कि उच्च ताप है ना। और उच्च ताप के लिए हम लोग इन तीनों को काम में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये खराब हो सकते हैं। जो पाइरोमीटर होता है बेटा ये सबसे ज्यादा काम में आता है। सामने जो आप चित्र देख पा रहे हो इसको हम लोग कहते हैं बेटा, ये है हमारे पास में पाइरोमीटर। अलग अलग तरीके के आ जाते हैं इनके डिजाइन वगैरह में, ठीक है। ये होता है पाइरोमीटर जो कि उच्च ताप नापता है। तो पाइरोमीटर क्या होता है, उच्च ताप मापी यंत्र होता है। उच्च ताप मापी जो है यंत्र होता है बेटा। बेसिकली यहां से जो है किरणें इस तरीके से जाती है और वो क्या करती है बेटा, उस वाली वस्तु का ताप, जिस जो भी वस्तु गर्म है उस वस्तु के ऊपर यहां से कुछ किरणें जाती है, ऐसे करके वो उसके ऊपर गिरती है, उसके ताप को पढ़ती है और उसका रीडिंग जो है बेटा वो यहाँ पर दे देती है। तो इस तरीके से ताप को मापा जाता है। द हमारा सही है। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।